आप सभी का एक बार फिर से मौसम समाचार में स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आई है। आपको बता दें, इस वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, अंत तक देखिएगा ताकि आपको मिल सके पूरी जानकारी। रोजाना मौसम की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जान लेते हैं क्या है आज की खबर। यूपी के बाढ़ प्रभावित गाँव में राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ प्रभावित गाँव में राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। जालौन में बाढ़ से प्रभावित 114 गांव में नावों की व्यवस्था की गई है। प्रशासन, पुलिस, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर राहत के साथ साथ सुरक्षा और बचाव कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। आज चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। वहीं गुरुवार 12 अगस्त को देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में और पश्चिमी अंचल में छटपुट स्थानों पर वर्षा हुई या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी। कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी सूचना है। संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग से गंभीर होती स्थिति को लेकर चेताया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पृथ्वी इतनी गर्म होती जा रही है कि एक दशक में तापमान संभवतः उस सीमा के पार पहुंच जाएगा जिसे रोकने का दुनिया भर के नेता आह्वान करते रहे हैं। वैश्विक निकाय ने इसे मानवता के लिए खतरे का संकेत करार दिया है। लेखक लिंडा मंस ने कहा कि इस बात की गारंटी है कि चीजें और बिगड़ने जा रही हैं। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की बारिश। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई या गरज के साथ बौछारें पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस कानपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान गाजीपुर और नजीबाबाद में 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा कि रविवार तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में व्यापक रूप से बारिश होने की संभावना है। वहीं 10 से 13 अगस्त के दौरान झारखंड में और 11 से 13 अगस्त के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र में भारी बारिश की अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम के हिसाब से यह हफ्ता काफी अहम रहने वाला है। अगले 4 दिनों में उत्तर और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार तक उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में कई जगह व्यापक रूप से बारिश की संभावना है। दरअसल पूर्वी उत्तर प्रदेश पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है जिसके कारण अगले 4 दिनों के दौरान भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से तेज हवाओं के प्रभाव में आज से इन क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता बढ़ने का अनुमान है। आज से लेकर 13 अगस्त के दौरान असम और मेघालय में बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं शनिवार तक उत्तराखंड में और 12 से 13 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में लोगों को भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। तो आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। रोजाना मौसम की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।